वो सीरियल वाले लोग आपको मिलने आए हैं। अरे भेजे तो आज जो बेबी ने देखा ना वो अच्छा नहीं देखा। क्या देखा जो अच्छा नहीं था? सर मैं अपने मेकअप रूम में गई और वहाँ लगता है मेरे किसी फैन ने गिफ्ट भेजा है। हमको नहीं लगता है शिखा जी ने कोई छेदाड़ी सांप देखा होगा। इन्होंने जरूर ऑक्स देखा होगा। ऑक्स मतलब बैल? मेकअप रूम में बैल कहाँ से आएगा? अरे तुम कैसा प्रोड्यूसर है रे बाबा, तुम्हारा हिंदी बहुत ठीक है। अरे ऑक्स माने परछाई। छाड़ो। अच्छा ऑक्स। वही तो बोला है ऑक्स। हाँ देखो शिखा मैडम, ये इच्छाधारी नागिन शूटिंग पे क्या करने के लिए आएगा? सर इच्छाधारी किसी भी रूप में कहीं भी आ सकते हैं। हाँ सर। बाबा रे किधर भी आएगा? हाँ सर। तो वो गांव के अंदर होता होगा, शहर में कैसे आएगा? इतना ट्रैफिक है, किधर भी आ जाएगा कैसा? ये मुश्किल है। कहाँ ढूंढ रहे हैं सर? मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ, शिखा धारीवाल। अरे 100%। ये फेमस टीवी शो नागमणी के लोग हेडक्वार्टर्स में क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूँ, जरूर इनके सीरियल में ट्विस्ट आया है। इच्छाधारी नाग किडनैप हो गया, इसलिए इच्छाधारी नागिन यहाँ पे पुलिस कमिश्नर की मदद लेने आई है। करेक्ट। ये इंस्पेक्टर है क्या? फर्स्ट एडेड राइटर? लाइटर है, लाइटर। इसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में आग लगा रखी है। आग का गोला हो? आग का तो पता नहीं, लेकिन तू गोला जरूर है। ये है इच्छाधारी नागिन, कभी भी किधर से भी निकल के आता है। उधर खड़े रहो, उधर खड़े रहो। मानव आदि सर, शेखा मैडम का कहना है कि इन्होंने इच्छाधारी नागिन देखा है और इन पर हमला भी हुआ है। सर कहाँ कैसी बातें सर, इच्छाधारी नागिन सीरियल वीरियल में होती है, असल में थोड़ी ना है। एग्जैक्टली। नहीं, वो तो हम बोला है, लेकिन अब जो बोल रहा है तो हमको सोचना पड़ेगा। लेकिन तुम दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व करो और तुम भी इनके साथ में लग जाओ। Yes, sir. सही है सर, सही है। इच्छाधारी नागिन का केस है तो साथ में एक नेवला तो चाहिए। नेवला? सर आप देखना, ये नेवला ही है इच्छाधारी नागिन को जेल की सलाखों के पीछे डालेगा। अरे ये नागिन है, सलाखों का बीच में से भी निकल के चला जाएगा। ये नागिन को पिटारे में बांध करो और तुम लोग भी अपना मुंह बंद करो, ज्यादा मत बोलो। इतना बड़ा आपके सामने खड़ा है, कुछ भी बोलता है। What? इच्छाधारी नागिन की पूरी कास्ट आई थी? Wow, वो शिखा है ना, I love her performance. तुम लोग मिले उससे? मिले? वो हमसे मिलने आई थी। हाँ। और लगातार कह रही थी कि इच्छाधारी नागिन से बचने के लिए उसे सिर्फ मानव ए देसाई जैसा बॉडीगार्ड चाहिए। पीछे ही पड़ गई थी, मानव ए देसाई ही चाहिए। बता ना आदि, बोल रही थी ना? हाँ, उसने तो मानव को एक रोल भी ऑफर कर दिया। What? हाँ? कौन सा रोल ऑफर किया उसने तुम्हें? कौन सा दादी, कौन सा रोल ऑफर किया उसने? इच्छाधारी एनाकोंडा का। आदि ये सब छोड़ो, हमें भी मिलाओ ना शिखा से प्लीज। कोई जरूरत नहीं है, वो शिखा से मिलके क्या फायदा होगा? मिलना है तो रेखा से मिलो। रेखा कौन? वो जो वैम्प का रोल करती है, उसका नाम रेखा है? ए चल, ये आपला बाजूचा गलित रहती थी, पीछे की गली में रहती है वो रेखा। पता उसका पति ये सीरियल देखने के बाद अपनी खुद की बीवी को यानी रेखा को नागिन बुलाने लगा। हमारी संस्था मन में है विश्वास, इसी अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठा रही है। और ये तुम लोगों की हीरोइन जो है वो अंधश्रद्धा बढ़ा रही है। इच्छा नरी नागिन, ऐसा कुछ होता है क्या कभी? अम्मा वो लोग शुरू में लीगल वार्निंग देते हैं, इस शो के सभी पात्र काल्पनिक हैं। हाँ तो ये शो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। क्या है एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट कैसी? तुम्हारी हीरोइन को देखा है, क्या नाम है उसका? शिखा। शिखा? हाँ वही शिखा। कितनी ओवर एक्टिंग करती है, कैसे डायलॉग बोलती है वो? क्या मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं बस एक इच्छाधारी नागिन हूं और मैं बदला लेने के लिए आई हूं। अच्छा तू ये है इच्छाधारी नागिन? उड़ूंगा नहीं इसे। अगर हिलने की या रूप बदलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। क्या कर रही है?
पुलिस को देख के सारा जहर निकल गया तेरा। बस बस नीना जी, नीना जी। सर ये नीना नलकर्णी नहीं, नागिन नलकर्णी है। वो बेवकूफ मत बनो, गन नीचे करो। सर मैंने गन नीचे की तो ये अपना फन ऊपर कर लेगी। सर मैंने अभी अभी इसको इकबाले जूम करते हुए सुना है। नीना जी एक्टिंग कर रही थी। बेवकूफ मत बनो, गन नीचे करो और जाओ। इसको बाहर लेके जा, पागल हो गया तुम? ऐसे नहीं मारोगे, चला जा, चलो। सर ये गोगोल ने कैसे लोग पुलिस में भर्ती करके रखे, ये दिखना नहीं चाहिए मेरे रेस्टोरेंट में फिर। जी जी सर, बैठो बैठो, कम डाउन। पर नागिन का विषय नको है माला। रितंबरा मैं तुम्हारे ये नागमणि क्या अपने जीवन भी देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे प्यार का मैं क्या करूंगी नागेंद्र, मनी ही दे दो। कट कट, यू फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। जेम्स कैमरा ऑन, अपने हाथ में ऑस्कर इमेजिन करने लगा था। वेरी गुड मैन, तुम रोज ऐसे डायलॉग्स क्यों नहीं बोलते हो? सर मुझे रोज डायलॉग्स मिलते कहाँ पे? 50 एपिसोड्स पहले सिर्फ मुझे एक ही डायलॉग मिला था और वो ये था कि आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बस उसके बाद मैं कुछ बोला ही नहीं। सर जी वो जो डायलॉग मिला है ना वो इसलिए क्योंकि शिका बेबी नहीं है। शिका बेबी को छोड़ के शो में है ही क्या? ऐसा नहीं है, इस शो में सब कुछ है। स्टोरी है, ड्रामा, एक्शन, रोमांस, इमोशन है। शिका है वो तो मेन लीड है। ये नहीं पूछ रहे कि वो क्या है, ये पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है। शिका कहाँ है? इच्छाधारी नागिन के डर से सेट पे नहीं आई, उसकी वजह से मेरा बहुत लॉस हो रहा है। बेबी की जान को खतरा है और आप, अगर बेबी को कुछ हो गया तो फिर आप क्या करोगे, उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? मैं सिर्फ टीआरपी का जिम्मेदारी ले सकता हूँ, बाकी मुझे शिखा के ना आने से कोई प्रॉब्लम नहीं। बल्कि वो आज सेट पर आई नहीं तो शो और भी स्मूथली शूट हो रहा है। थैंक गॉड। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। बॉस। यस सर। नोट कर। ओके। शिखा बेबी की जगह लेना चाहती है ना? अगर बेबी आ गई ना तो शो से बाहर निकल जाओगी। ये तो वक्त ही बताएगा जिला रमानी जी, फिलहाल कुछ दिन के लिए तो मैं ही शो की स्टार हूँ। बॉस। यस सर। नोट कर। ओके सर। अरे हवलदार साहब। इंस्पेक्टर साहब, आपकी जांच कहां तक पहुंची? ये इन्वेस्टिगेशन है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं है कि तुम ये पूछो कि ट्रेन कहां तक पहुंची। मिस्टर अरोड़ा, नैना और आपके डायरेक्टर जेम्स, कैमरा ऑफ। कैमरा ऑन। अब कैमरा ऑफ है कि ऑन, ये तो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। आप तीनों से कुछ सवाल जवाब करने हैं, चलिए। सर सर जी, अगर शूटिंग रोकी तो मेरा एमआरपी का बहुत लॉस हो जाएगा। आज मेरे घर बंगलो, मेरे बंगलो पर आगे के एपिसोड्स का नरेशन है। नरेशन है, नोट कर नरेशन। सब वहां होंगे। नोट कर। शिखा भी होगी। शिखा भी होगी, नोट कर। तूने सिर्फ दो चीज नोट कराई, मैंने तीन चीज नोट कराई। वैसे फिलहाल आपको मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ पूछना है। आपका पता क्या है? बताओ। व्हाट्सएप कर देता हूँ। कर दो, लेकिन सिर्फ पता ही व्हाट्सएप करना। कोई भी फूल पत्तों वाला गुड मॉर्निंग अगर आया ना तो तुम्हारा गुड नाइट, समझ गए? व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू। जैसे ही गुंडे शिखा जी के कंधों पे हाथ रखते हैं, शिखा जी पलटती हैं और उनकी जीभ सांप की तरह लपलपाती है। सभी गुंडे चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, एंड वी फ्रीज। वाह! और अगला एपिसोड में क्या होगा? राइटर चेंज होगा। हेलो शिखा जी, आपका शो रोज देखता हूँ मैं। मेरा शो रोज आता नहीं है। हाँ पर आप सबके लिए चाय। चाय? नहीं नहीं, मैं पाई नहीं चीता, मैं चाय नहीं पीता। वैसे बड़ा हैंडसम नौकर है आपका, इसे अपने शो में मेन लीड क्यों नहीं ले लेते आप? ये मेरे शो का मेन लीड ही है। मेथड एक्टिंग, एक शो में नौकर का रोल मिलने की चांसेस है तो प्रैक्टिस कर रहा था कैरेक्टर पकड़ने की। मतलब किसी शो में अगर तुम्हें कातिल का रोल मिल गया तो तुम लाशें बिछा दोगे? अरे सर इसको छोड़िए ना, बेबी बहुत डर गई है। इन्वेस्टिगेशन कहां तक बढ़ी प्लीज बताइए। हाँ मैं बताता हूँ। दरअसल हमने तुम्हारे सेट का कोना कोना छान मारा, मैं वहाँ पे सांप के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले। मुझे नहीं लगता इच्छाधारी नागिन नाम की कोई चीज होती भी है।
ऐसा लगता है किसी ने शिखा जी के साथ कोई भद्दा मजाक किया है। And this mazak is not funny. It's not funny. Not funny. This is not funny. सर ये मजाक नहीं हो सकता। मैंने खुद अपनी आंखों से उस नागिन को एक औरत का रूप लेते हुए देखा है। जब तक उस नागिन को पकड़ा नहीं जाएगा ना मैं शूटिंग पर नहीं आऊंगी। शिखा जी आप शूट नहीं करेंगी तो मेरा एमआरपी का बहुत लॉस हो जाएगा। आई डोंट केयर अरोरा जी, आपको शूट करना है तो मेरे घर पर आकर कर लीजिए, बट सेट पर तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी, भूल जाइए। इससे तो अच्छा होता कि इच्छाधारी नागिन मुझे ही काट लेती, इसके नखरे से तो बच जाता। आई नीड टू यूज द वॉशरूम, एक्सक्यूज मी। बेबी टिश्यू? अरे इतना इशू वैसे चल रहा है, क्या टिश्यू दे रहा है यार? आई आल्सो नीड सम फ्रेश एयर, आई जस्ट कम। नोट किया? हाँ कर लिया नोट्स। दिखा जरा। नहीं छोड़ना है, देख दिखा बस। नोट किया उसने? अरे क्या मेरा दिखाओ यार, क्या क्या नोट किया। मैं तुम लोग कह रहा हूँ नोट करो, तुम लोग गेम खेल रहे हो। अब तो तू तो मेरे साथ खेलता नहीं है, कम से कम ये हमेशा मेरे से हारने के लिए तैयार तो रहता है। गुड बॉस, थैंक यू। थैंक यू सर। मानव एक सेकंड कंट्रोल में। बॉस ये सर तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो यार? सर मुझे तो अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं है। हटाओ यार। सर शिखा जी मैंने अपनी आंखों से एक सांप को ऐसे औरत बनते हुए देखा। इच्छाधारी नागिन है वो है। कोई इच्छा इच्छाधारी नागिन नहीं होती। ये सब कुछ उस नैना का किया धरा है। निकली थी ना वो भी शिखा के पीछे पीछे। अरे एक्टर लोग होते ही ऐसे हैं, एक दूसरे का काम खाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। और देख वो भी यही कर रही है, वो शिखा को जानबूझ के डरा रही है ताकि शिखा का सेट पे आना कम हो जाए और उसका रोल बढ़ जाए। अब तो मुझे भी यही लगता है, ये सब नैना ही कर रही है। वो बहुत इनसिक्योर है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन अभी नैना है कहाँ? अरे कहाँ होगी, यही कहीं छुपी होगी। नैना बाहर निकलो। नैना 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 सर ये तो स्पा ले रही है। शट अप बॉस। इसके हाथ पर तो सांप के काटने के निशान है। इसकी तो सांसें भी रुक गई हैं। तो फिर तो ये योगा कर रही होगी सर। बॉस मानव की संगति में रहना बंद करो, तुम्हारे जीजाजी डीजीपी नहीं है। यस सर। शी इज डेड। इसका मतलब है कि इच्छाधारी नागिन है। मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन ये लोग तुझे अपनी आंखों से देख रहे, चुप हो जा। पुलिस में होकर अगर तू इतना घबराएगा तो इनका हौसला कौन बढ़ाएगा? चुप कर जा भगवान के लिए थोड़ी देर के लिए। अरोड़ा जी मुझे एक बात बताइए, इस बाथरूम के कोई और एंट्री और एग्जिट इसके अलावा? बस यही एक डोर है, इसी के सामने हम बैठे थे। इसका मतलब नैना भी और शिखा भी इसी डोर से अंदर आए थे, और इच्छाधारी नागिन भी। और उसे कोई डोर वोर की जरूरत नहीं, अंदर बाहर जाने के लिए वो सांप है, यूं करके अंदर घुस जाएगी। मैं आखिरी बार तुझे बोल रहा हूँ, इच्छाधारी नाग नाम की, इच्छाधारी सांप नाम की कोई चीज नहीं होती। तो जो कुछ भी देख रहा है अपनी इच्छा अनुसार देख रहा है, तेरा वहम है। अच्छा अगर इच्छाधारी नागिन नहीं होती है तो ये क्या है, ये क्या है? नैना को किसने डसा? कौन है? कहाँ है? कहाँ है? इट्स वेरी सैड, बट इसे जिसने भी डसा, जिसने भी मारा, मेरा तो एमआरपी का नुकसान हो गया ना। अब चलते शो में मैं आर्टिस्ट कैसे रिप्लेस करूंगा? नैना की जगह किसे लाऊंगा? अरे शिखा बेबी है ना अरोड़ा साहब, और कमिश्नर साहब ने बोल दिया पूरा प्रोडक्शन देंगे। अब जाके राइटर को बोलो कि बेबी का ट्रैक बढ़ाओ। जाओ 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 जाओ। हाँ सर, अब नैना की जगह मैं शिखा के साथ लव स्टोरी करूंगी। अच्छा मगर तू है कौन? अरे सर मैं मेन लीड हूँ सर। अच्छा
सुनो, इससे ना हमारी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा। नहीं, ट्विस्ट छोड़ो, अगर मीडिया में ये खबर पहुंची कि नागमनी की एक्ट्रेस नैना की मौत इच्छाधारी नागिन के काटने से हुई है तो डायरेक्टर तो अंदर से पूरा टूट चुका है यार। तो नेक्स्ट वीक TRP आएगा। The show will be a mega hit. This is very good. I mean it's bad, but it's good. Confused. देखा तूने? इनमें से किसी एक को भी नैना की मौत का कोई अफसोस नहीं है। देखा? वो तो देखा है। लेकिन अगर उस इच्छाधारी नागिन ने मुझे देख लिया होगा ना, उसकी आंखों में मैं बस गया हूँ। अब वो आएगी मुझे टसने, छोड़ेगी नहीं मुझे वो। अच्छा होगा। मतलब मेरा मतलब है अच्छा होगा, क्योंकि हमें पता चल जाएगा इच्छाधारी नागिन नाम की कोई चीज होती भी है कि नहीं। तेरा भ्रम टूट जाएगा यार। अच्छा, तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना? नहीं। ठीक है, ना तेरी ना मेरी। अब भ्रम क्या है, सच क्या, इसे बेकी इंसान बताएगा। खबरी क्या कर रहा है यार? अरे यार जरा दूर से चलो ना भाई, दूर से चलो ना, इतना चिपक चिपक के चलना जरूरी है क्या? वहां से जाओ ना थोड़ा। सॉरी 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 सॉरी। इधर 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 क्या कर रहा है तू? मुझे पता नहीं है, इच्छाधारी नागिन है ना, हाँ, किसी का भी रूप ले सकती है। ये चाय वाला है ना? हाँ, हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं, तुम बनाओ बनाओ, तुम्हारा बनाओ बनाओ। मतलब इच्छाधारी नागिन मेरे रूप में भी आ सकती है। नजदीक बंद, दूर 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 दूर, पीछे हट, आधे दूर दूर। हाँ, मैं तेरे नजदीक नहीं आऊंगा, नहीं 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 आऊंगा तेरे नजदीक, क्योंकि अब तेरे नजदीक इच्छाधारी नागिन है। हाँ, मेरे ये रबड़ का सांप है भाया, हाथ लगा कर देख, डर मत हाथ लगा कर दे। अरे मैंने अपनी पूरी स्कूल की जिंदगी में सिर्फ पेंसिल इस्तेमाल किया, रबड़ का कभी इस्तेमाल नहीं किया। क्यों रबड़ के सांप को हाथ लगाओ, मुझे नहीं लगाना, आप रखो अपने पास। अरे इसका झोल कबरी, पता नहीं कल रात से इसने ऐसा क्या देख लिया कि इसके दिमाग का स्क्रू ही गया। मुझे सब पता है, तुम ये बताओ, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हुई कैसे नैना की मौत? रिपोर्ट गई भाड़ में, मैंने अपनी आंखों से उस इच्छाधारी नागिन को देखा है, उसी ने डसा होगा। कबरी इसकी आंखों पर तो मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये जरूर आया है कि नैना की मौत ब्लैक मांबा के डसने से हुई थी। लेकिन ब्लैक मांबा इंडिया में पाया नहीं जाता रे भाया, पाया नहीं जाता। हाँ तो पाया तो हमने भी नहीं, वो आया डसा डस के चला गया। अरे मेरा मतलब है ब्लैक मांबा इंडिया में होते ही नहीं है। इसका मतलब इच्छाधारी नागिन ने पहले ब्लैक मांबा का रूप लिया और फिर नैना को डसा। मैंने बोला ना, इसका स्क्रू एकदम ढीला हो गया। मेरा स्क्रू एकदम टाइट है। आप ही सोचो, अगर ब्लैक मांबा इंडिया में मिलता ही नहीं है तो उसका जहर नैना के शरीर में आया कैसे? और दूसरी बात, शिखा ने फिर मैंने सेम तरीके से उस इच्छाधारी नागिन को औरत में तब्दील होते हुए देखा, कैसे देखा, कैसे देखा, बताओ कैसे? दो जवाब दो, दो। मेरा काम जवाब देने का ना है, क्लू देने का है। और इच्छाधारी नाग जो है इज्जतारी साहब के बारे में एक ही आदमी बता सकता है, वो है नाग नागिन। उसका एड्रेस ये ले। ये कैसा एड्रेस? क्या नागालैंड में रहता है वो? नहीं नहीं, ये मुंह के लैंड में रहता है। क्या इसका क्या कर रहा है आदि? आदि ए भाई सपेरे, जरा सांप का डांस दिखा ना यार। आपका डांस दिखाओ, आपका डांस मत दिखाओ। सांप का? हाँ। मने लगा आपका। लेकिन सांप पर अत्याचार करना जुर्म है, तुम्हें पता नहीं है? सांप का डांस देखेगा? अरे
सांप की फोटोज ही लगा रखी है यार। देख। अरे रबर का है, रबर का देख, हाथ लाके देख, देख। अरे उसे क्या बजा रहा, घंटी बजा। अरे रबर के। अरे रुक यार, कोई हैवी की नहीं अंदर। नब्बे बानबे तिरानबे चौरानबे पचानबे छानबे सतानबे अठानबे निन्यानबे सौ। आया कौन है आप, ऐसे कैसे गुस्सा है मेरे घर में? इंस्पेक्टर आदित्य और इंस्पेक्टर मानव। मानव देसाई, इतनी देर से बाहर खड़े होकर दरवाजा खटखटा रहे हैं, घंटियां बजा रहे हैं, बोल की नहीं रहा था? जी मैं चुप्पन चुप्पाई खेल रहा था। अकेले? अकेले कौन खेलता है चुप्पन चुप्पाई? जिसके सारे दोस्त उससे कट्टी हो जाते हैं ना, वो लड़का अकेले ही खेलता है। मेरा चब्बी चीक्स। तुम किसके साथ खेल रहे थे? पप्पू मुन्ना चिंटू पिंकी। अरे यार अरे मैं भी खेलूंगा। अरे पप्पू मुन्ना चिंटू पिंकी, मानव अंकल आए हैं, वो तुम्हारे साथ खेलेंगे, आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं आएंगे, मैं बुलाता हूँ उनको। सुनो सुनो, सब के सब सामने आओ, पप्पू मुन्ना चिंटू पिंकी आए। ये क्या है? पप्पू मुन्ना चिंटू और वो वाली पिंकी शर्मिली है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।